हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि शाओमी ने, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि शाओमी ने अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया MI 11, जो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, वो अभी तक जो है चेन्नई में ही है, यानी कि चीन में जो है उसको लॉन्च करा गया है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो उसमें क्या क्या खासियत देखने के लिए मिलती है, आपको जो क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलती है, और उसके इंडिया में क्या क्या प्राइस देखने के लिए हमें मिल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना, क्योंकि जो मैं ऐसी बात बताने वाला हूँ कि जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, या आपको अभी तक हिंदी में कोई भी ऐसी MI 11 की कोई भी स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो नहीं मिली होगी, तो मैं आज आपको बताऊँगा, हिंदी में बताऊँगा कि आपको जो Xiaomi 11 यानी कि Xiaomi MI 11 में आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है और आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो है कुछ ही टाइम पहले एक प्रोसेसर लॉन्च हुआ था, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 SoC वाला जो प्रोसेसर था, वो जो है उस वाले फ़ोन में है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहने, मैं आपको जो A to Z सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो गाइस अगर हम सबसे पहले MI 11 की डिस्प्ले की बात करें, तो इसमें आपको जो 6.81 इंच की क्वाड कर्व्ड OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले हमें जो देखने के लिए मिलेगी अगर इंडिया में इस फ़ोन लॉन्च होता है। तो अगर हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करें, तो इसमें आपको जो 2K का रेजोल्यूशन मिलेगा, जो काफ़ी अच्छे डिस्प्ले की क्लियरिटी दिखाएगा। अगर हम इसकी ब्राइटनेस की बात करें, तो इसमें आपको जो 1500 निट्स की आपको जो पिक ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है। अगर हम इसकी रिफ्रेश रेट की बात करें, तो इसमें आपको जो 120 की आपको इसमें 120 हर्ट्ज देखने के लिए मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी हमें जो डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम साथ ही इसके प्रोसेसर की बात करें, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें आपको प्रोसेसर कौन सा वाला देखने के लिए मिलेगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 SoC चिपसेट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो काफ़ी पावरफुल गेमिंग के हिसाब से काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर माना जाता है। अगर हम इसकी साथ ही बैटरी की बात करें, तो इसमें आपको जो बैटरी 4600 mAh की आपको इसमें बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी बैटरी मिलेगी, यानी कि आप जो है पूरे दिन में इस फ़ोन को चार्ज बिना करे चला सकते हो। और साथ ही हम इसकी चार्जिंग की बात करें, तो इसमें आपको जो वायरलेस चार्जिंग में आपको जो 50W की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलती है। अगर हम इसकी वायर वाली चार्जिंग की बात करें, तो इसमें आपको जो 55W की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलती है हमें, और इसमें आपको जो है हमें 10W के रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मिलती है, जो हमें तीन चार्जिंग सपोर्ट हमें इसमें देखने के लिए मिलती है, वायरलेस और वायर वाली और एक रिवर्स वाली। तो अगर साथ ही हम इसकी फोटोग्राफी की बात करें, तो इसमें आपको फोटोग्राफी में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाती है, जो अगर हम सबसे पहले कैमरे की बात करें, तो इसमें आपको जो 108 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा कैमरा माना जाता है। अगर हम साथ ही इसके सेकेंडरी कैमरे की बात करें, तो इसमें आपको जो 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और हम इसके तीसरे कैमरे की बात करें, तो इसमें आपको 5 MP का मैक्रो सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी आपकी फोटोग्राफी में 4 चांद लगा देगा। और हम साथ ही इसके फ्रंट कैमरे की बात करें, तो इसमें आपको जो वीडियो कॉलिंग और आपकी सेल्फी खींचने के लिए आपको इसमें 20 MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। बस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि MI 11 में क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलती है। यानी कि इस प्रोसेसर तो बिल्कुल इतना हाई वाला है कि आप अगर गेमिंग करते हो तो आपके लिए बिल्कुल भी लैग होने वाली कोई भी संभावना नहीं होती है। तो आपको जो है अगर इस फ़ोन को ख़रीदना है, तो मतलब अभी तक तो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, पता नहीं अब कब तक ये लॉन्च होगा इंडिया में। तो इंतज़ार करते हैं, जैसे ही ये लॉन्च होगा मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर बता दूंगा। और अगर साथ ही अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें, तो इसमें प्राइसिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, 8GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी की, यानी कि रोम की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको जो 44,999 देखने के लिए मिल जाती है, जो 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है। और हम साथ ही दूसरे वेरिएंट की बात करें, तो इसमें आपको दूसरा वेरिएंट देखने के लिए मिल जाती है, 8GB रैम और 256GB की स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें, तो इसमें आपको जो 48,500 की इसकी प्राइसिंग मिल जाती है, 8GB रैम और 256GB की स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है। और हम साथ ही इसके तीसरे वेरिएंट की बात करें, तो इसमें आपको जो तीसरा वेरिएंट 12GB रैम और 256GB की स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है। और इसकी हम प्राइसिंग की बात करें, तो इसमें आपको जो 52,999 देखने के लिए मिल जाती है, जो हमें
तीन वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाती है, 8 GB रैम 128 GB, 8 GB 256 GB और 12 GB 256 GB, हमें तीन वेरिएंट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कि हमें इसमें प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि जो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हमारे चैनल पर आती रहती हैं। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पर अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो गाइज आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।